इल्जाम तो गलत है। विरोधियों को फंसाने के लिए कुछ न कुछ हथकंडे अपनाए जाते हैं। सरकार से संबंधित, गवर्नमेंट से संबंधित, उनके पार्टी से संबंधित, उन पर कार्रवाई कभी नहीं होती। मान ले कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खुलेआम विरोध कर रहे हैं, हम अपना घर में के 47 रखेंगे। आनंद सिंह जब नीतीश कुमार के साथ थे तो आनंद सिंह बढ़िया थे, अब नीतीश कुमार को साथ छोड़ दिए तो आनंद सिंह खराब हो गए। एक समय था कि आनंद सिंह को हाथ पैर जोड़ रहे थे नीतीश कुमार। पहले इस तरह के तो कभी छापेमारी नहीं हुआ था जब नीतीश सरकार में। नीतीश कुमार के साथ अगर ये थे उस टाइम तक तो सही थे, अगर छोड़ दिए साथ तो वो गलत हो गए, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। आनंद सिंह को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बाढ़ से बिलोंग करता है, मोकामा से लड़ा है। वो तो एनी टाइम जो है ना AK-47, हमारे ख्याल से तो लगता है कि जब मरेगा तो उसका जो है ना सैया भी AK-47 का होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और मैं हूं आपके साथ शिवानी। आपको बता दें कि जिस तरह से आनंद सिंह के मामले में आज एक नया मोड़ लिया है और कहा जा रहा है कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें कि एक दिन पहले उनके पैतृक निवास से AK-47 कारतूस भी बरामद किए गए थे। अभी हम मौजूद हैं पटना के गांधी मैदान में, जानते हैं लोगों का क्या कहना है आनंद सिंह के मामले। आनंद सिंह ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि सरकार उन्हें फंसा रही है। नहीं, देखिए फंसाने जैसी कोई बात नहीं, अगर इस तरह का कोई प्रूफ है तो आनंद सिंह क्या कोई भी हो, है ना, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, जेल जानी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों पर एक बेहतर तरीके से, जैसे अमूमन ऐसा होता है और लोगों का ऐसा मतलब विश्वास भी होता है कि विरोधियों को फंसाने के लिए कुछ न कुछ हथकंडे अपनाए जाते हैं, सरकार अपनाती है, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हो तो कोई भी व्यक्ति जो उसमें शामिल है तो निश्चित तौर पर उसे सज़ा होनी चाहिए, उसे जेल जाना चाहिए। उनका ये भी कहना था कल जिस तरह से वो सारे मीडिया वालों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ललन सिंह जो है वो उन्हें फंसाने का काम कर रहे हैं। वो बोले कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो सारा इल्ज़ाम जो है वो सरकार पर ही लगातार लगाते हुए। नहीं देखिए, इल्ज़ाम तो गलत है, लेकिन ऐसा भी होता है कि विरोधी फंसाने की तो कोशिश करते हैं, तो ये दोनों सत्यता है इसमें। मतलब वो बोल रहे हैं फंसाने की कोशिश है तो ये भी संभव है, लेकिन अगर वो फंसे हैं तो उनको जाना भी होगा, ये भी सच्चाई है। तो दोनों स्थिति हो सकती है, राजनीति ये दोनों स्थिति चलेगी, एक तरफा कुछ नहीं होता है। तो मान लिया कि आपके पास होगा तो आप जाइए। ये तो बिल्कुल सही है कि अगर AK-47 या ग्रेनेड वगैरह मिला है तो उनको तो कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो सरकार के जो होते हैं, सरकार से संबंधित, गवर्नमेंट से संबंधित, उनके पार्टी से संबंधित, उन पर कार्रवाई कभी नहीं होती है, चाहे किसी भी सरकार हो। जैसे यहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार है, मान लीजिए कि भविष्य में और किसी की सरकार होती है तो दूसरे पक्ष वाला पर कार्रवाई होता है, लेकिन अब हमारे यहाँ कितना दूषित है, कितना करप्टेड है, कितना दबंग नेता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। तो वहीं थे, या मान लिया जाए कि यही आनंद सिंह अपने स्टेटमेंट, अपना विचारधारा चेंज करके इनमें शामिल हो जाएं, जैसा कि कई बार देख रहे होंगे कि बीजेपी में, जैसे बंगाल वाला कौन था वो जो पहले ममता बनर्जी की पार्टी में थी, आज जैसे ही उसके पार्टी में गया तो वो गंगा पार हो गया, है ना। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि पारदर्शिता से काम नहीं होती है। सरकार अपने पक्ष में लाने के लिए या किसी को जो दबंग है या कोई मजबूत नेता है उसको प्रेशराइज करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाती है। ये तो बहुत पुराना मतलब रीति है, सब पार्टी के लोग करते हैं, लेकिन हम लोग जैसे पब्लिक हैं ये जान जागरण होना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में हो क्या रहा है, ये देखना अति आवश्यक है। कार का कोई खिलाफ कर रहा हो खुलेआम, हमको नहीं लगता है कि उसके अपने घर में, जैसे मान लें कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खुलेआम विरोध कर रहे हैं, हम अपना घर में के 47 रखेंगे, ये थोड़ा सा मतलब कि अजीबोगरीब मामला लगता है, है ना। हो सकता है कि उनके पास हो, लेकिन ये ऐसा लगता है कि साजिशन मतलब कि फंसाया गया है। आनंद सिंह जब नीतीश कुमार के साथ थे तो आनंद सिंह बढ़िया थे, अब नीतीश कुमार को साथ छोड़ दिए तो आनंद सिंह खराब हो गए हैं। एक समय था कि आनंद सिंह को हाथ पैर जोड़ रहे थे नीतीश कुमार, आज ऐसा समय है कि आनंद सिंह अपने खुद फंस रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि जब नीतीश कुमार के साथ थे तो क्या उनका साथ छोड़ने का ये नतीजा है? हाँ, ऐसा लगता है। हाँ, पॉलिटिक्सन में इसे होते रहता है। क्या लगता है आनंद सिंह के मामले में क्या है? इसमें लगने और न लगने की कोई बात नहीं है, यहाँ बात साफ है। ललन सिंह के खिलाफ कांग्रेस से ही अपना वाइफ का नॉमिनेशन की और इलेक्शन लड़ी, उससे नीतीश कुमार को बहुत दुख है और ललन सिंह को भी बहुत दुख है, इसके वजह से उनको फंसाया जा रहा है। आज के 2 साल पहले भी वो गुंडा थे, आज भी गुंडा थे, बाहुबली के नाम से जाने जाते थे, छोटे सरकार के नाम से आज भी जाने जाते हैं, मगर पहले इस तरह के तो कभी छापेमारी नहीं हुआ था जब नीतीश सरकार में थे, तो अभी हो रहा है तो अभी तो गलत है नीतीश सरकार। आपको लगता है कि उन्हें फंसाया जा रहा है? फंसाया जा रहा है।
आप बताइए क्या लगता है आपको अनंत सिंह? ऐसे यहाँ पर इंक्वायरी लेना चाहिए, अगर AK-47 मिली है तो अच्छा से इंक्वायरी लें, क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है, वो तो इंक्वायरी लेने के बाद ही पता चलेगा। वैसे तो प्रशासन इंक्वायरी कर ही रही होगी, पता चल ही जाएगा क्या सही है क्या गलत है। जहाँ तक मेरी उम्मीद है, अगर नीतीश कुमार के साथ अगर ये थे उस टाइम तक तो सही थे, नीतीश कुमार के साथ थे तो मतलब वो सही थे और नीतीश कुमार का साथ, अगर छोड़ दिए साथ तो वो गलत हो गए, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? अगर हम इन भाई के साथ अभी हैं तो अभी हम सही हैं, इनसे अगर अलग हो जाते हैं तो हम गलत हो गए। मतलब साफ तौर पे जैसा कि इनका कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी में जब अनंत सिंह थे तो वो सही थे, हालांकि जैसे ही वो पार्टी से हटे हैं उसके बाद से लोगों का जिस तरह से कहना है कि वो गलत हो गए। अनंत सिंह जो है बाहुबली के नाम से जानते हैं, लोगों में डर भी है उनका खास करके, और जिस तरह से AK-47 जो कि खास तौर पे आतंकवादियों के पास ही मिलता है, बहुत बड़ी बात हुई जो कल उनके घर से बरामद हुई, क्या बोलेंगे? अगर उनके पास पकड़ाया AK-47 तो शायद करप्ट तो है ही और उनको जाना चाहिए जेल। ऐसा लगता है आपको कि जेल जाना चाहिए? हाँ, तो पहले भी उनका वो रहा है कि बाहुबली कहते थे लोग कि रंगदार हैं, केस भी हुआ है उन पर, इसलिए हाँ उनको जाना चाहिए। AK-47 बरामद हुआ है वहाँ से। अगर वो गलत है तो गलत है, जाना ही चाहिए, जाना चाहिए जी। आनंद सिंह का ये कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है राजनीतिक, उनका ये कहना है कि वो इस बार चुनाव में खड़े हुए थे, इसके चलते विरोधी पार्टियां जो हैं उन्हें फंसाने की कोशिश करी है, उन्होंने साफ तौर पर ललन सिंह का नाम लिया है। हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो हर कोई लगता है कि विरोधी पार्टियां आई उनके घर में AK-47 रखवाई होंगी, तो कोई रखवाना बहुत बड़ा बात है, कोई ऐसे थोड़ी किसी के यहाँ रखवा देता है, तो जब तक वो रखे नहीं होंगे अपने घर में अपने बचाव के लिए, हो सकता है रखे होंगे। क्या लगता है अनंत सिंह की आज जिस तरह से खबरें सामने आ रही है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, हालांकि उनके पैतृक निवास से एक दिन पहले कल AK-47 बरामद हुआ था, क्या लगता है? मुझे लगता है कि उनके घर जो AK-47 बरामद हुआ है उनको मीन्स पहले से रखा हुआ है तभी तो बरामद हुआ है, ये तो गलत हो नहीं सकता, वैसे भी तो सरकार को इस पे कुछ एक्शन करना चाहिए ऑब्वियसली। सरकार उनका ये कहना है कि सरकार उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, इससे पहले जब वो नीतीश कुमार की पार्टी में थे लोगों का ये भी कहना है कि वो छोड़ने के बाद सरकार, और अनंत सिंह ने खुद साफ तौर पे कहा है कि ललन सिंह जो हैं उनके चलते उन्हें फंसाया जा रहा है, उस सीधा तौर पे उन्होंने सरकार के ही ऊपर निशाना साधा है। सरकार के ऊपर निशाना साधने से क्या होगा, जब पुलिस ने बरामद कराया तो वो पुलिस तो झूठ नहीं बोलेगी, सरकार पे वो बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। वैसे अनंत सिंह को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, लदमा उसका घर है, बाढ़ से बिलोंग करता है, मोकामा से लड़ा है, वो तो एनी टाइम जो है ना AK-47 हमारे ख्याल से तो लगता है कि जब मरेगा तो उसका जो है ना सैया भी AK-47 का होगा, और वो जो आग दिखाया जाता है ना आग के जगह पे जो है ना AK-47 से लहराया जाएगा उसको, वो आज का थोड़ी है, इसमें झूठ और सच क्या इसमें जानकारी लेना है। उनका कहना है कि सरकार उन्हें फंसा रही है। कौन आपके ऊपर कोई ब्लेम करेगा तो आप जस्ट उस चीज़ को कबूल कर लेंगे नहीं करेंगी? हर लोग चाहता है कि मैं जो है ना बनठन के उसी वे में रहूं, चाहे मेरे पीछे कुछ भी हो, ठीक है ना? वे AK-47 क्या, उनके जो है ना अगर सही तरीके से तलाश लिया जाए तो दुनिया के उनके एक एक हैंड में AK-47 है, जितने लोग हैं उनके एक एक हैंड में AK-47, इसके पहले भी बहुत सारा मर्डर ये वो यहाँ इस घर पे हुआ, मर्सिडीज पकड़ाया, क्या हुआ? आप इसको जो है ना आप जनता के बीच में ही पहुँचाएंगे, जनता क्या करेगा? जनता तो सरकार चुन करके विदा कर देती है, ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि क्या करना है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी आज हो सकती है कहा जा रहा है, और जिस तरह से भी कहा कल उनके घर से AK-47 बरामद हुआ था, क्या अगर बरामद हुआ है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो उनके साथ भी होना चाहिए, क्योंकि लॉ सबके लिए बराबर है, तो गवर्नमेंट अगर कर रही है तो अच्छा कर रही है, फिर वो अगर 47 बरामद हुआ तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। अनंत सिंह के मामले में नया मोड़ आया है, कहा जा रहा है कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, AK-47 बरामद हुआ, क्या लगता है? देखिए कुछ भी कहना इस पर अभी संभव नहीं है, क्योंकि जांच की जा रही है पुलिस के द्वारा, और काफ़ी वो महत्वपूर्ण नेता है अपने, और निर्दलीय उन्होंने जीता भी है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक का उन पर विश्वास है, तो अभी हम इतनी जल्दी कुछ डिसीज़न लेना बहुत ही मुश्किल है,
मेरे लिए तो खास करके, और बाकी आगे देखते हैं क्या जांच में पता चलता है। अभी आप देख रहे हैं आए दिन मतलब अच्छे अच्छे नेता लोगों को बदनाम भी किया जा रहा है, तो इस पर हम एक करेक्ट डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। थोड़ा आनंद सिंह ने सरकार को ये कहा है कि सरकार उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, उन्होंने साफ तौर पर ललन सिंह का नाम लिया है। कल की बात करें तो सारे पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वो उच्च न्यायालय तक जाएंगे, उन्हें फंसाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए इसके बारे में मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ हर इंसान को अपना पक्ष रखने का हक है, क्योंकि ये एक स्वतंत्र देश है, यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत यही है कि हर इंसान अपना पक्ष रख सकता है। तो वो भी अपने जगह से कहीं ना कहीं सच ही कह रहे हैं, अब इसके पीछे क्या सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नंद सिंह ने इल्ज़ाम लगाया सरकार के ऊपर, उनका कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। गलत उनको फंसाया जा रहा है, ऐसा तो हुआ नहीं। कहते हैं कि 14 साल से हम अपने घर में नहीं गए हैं, तो वहाँ हथियार रखने की प्रश्न कहाँ उठता है, प्रशासन स्वयं ही ले जाके रख सकता हुआ, इसलिए उन्हीं का पार्टी के आदमी है, उनको तो इससे होता है कि मैंने प्रूफ हो रहा है कि मेरे प्रूफ होता है कि उनको जान से फंसाया जा रहा है, उन्हीं का पार्टी क्या है, पार्टी छोड़ने से वो अपराधी हो गए। तो जब कल पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ललन सिंह का हाथ है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो आगे जाएंगे, बड़े प्रशासन के पास जाएंगे। तो जाएंगे अपना, वो हो सकता है कि नीतीश कुमार से भी मिले, उन्होंने कही है, हम बोले हैं ऐसा। तो देखा आपने कि किस तरह से लोगों के क्या विचार हैं अनंत सिंह के मामले को लेकर के। आपको बता दें कि आज खबर आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो देखना होगा कि क्या उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं। लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया। तो ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें न्यूज़ 11। नमस्कार। न्यूज़ 11 के वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ।